दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड नेम के बारे में जो पूरी दुनिया में अपने शानदार कॉफी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है और यहाँ पर मिलने वाली कॉफी की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन कॉफी कंपनी और कॉफी हाउस चैन स्टारबक्स की, जिसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया भर में इसके करीब 27,000 कॉफी हाउसेस खोले जा चुके हैं। हालांकि इस कंपनी को सिर्फ एक आउटलेट से 3 लोगों ने साथ मिलकर शुरू किया था, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आउटलेट पर काम करने वाले ही व्यक्ति ने आगे चलकर इस कंपनी को खरीद लिया और उन्हीं की वजह से आज यह कॉफी हाउस इतना एक्सपेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय लिए हम इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 47 साल पहले से, जब 31 मार्च 1971 को 3 दोस्तों ने एक साथ मिलकर सिएटल में एक छोटी सी शॉप खोली, जहां पर वे हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स यानी कि कॉफी के बीज बेचा करते थे। दरअसल यह तीनों दोस्त यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में पढ़ते हुए एक दूसरे से मिले थे और उनका नाम था जेरी बॉल्डविन, जेफ सीएगल और गॉर्डन वोकर। दरअसल उस टाइम एक बहुत ही फेमस कॉफी रोस्टिंग व्यवसायी थे जिनका नाम था अल्फ्रेड पीट, और इन्हीं से इंस्पायर होकर तीनों दोस्तों ने अपना शॉप खोलने का फैसला लिया था। और जब शॉप का नाम रखने का टाइम आया तो उस टाइम कई नामों पर चर्चा किया गया, जैसे कार्गो हाउस और पैक्योर्ड भी उनमें शामिल था, लेकिन बाद में मोबीडिक नाम के एक नॉवेल से स्टारबक्स नाम फाइनल किया गया। शुरुआती समय में वे अल्फ्रेड पीट की शॉप से ही कॉफी बीन्स खरीदा करते थे, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो वे सीधा कॉफी की खेती करने वाले लोगों से माल खरीदने लगे और फिर 1981 में इस शॉप के लिए एक मार्केटिंग डायरेक्टर हॉवर्ड शुल्ज को हायर किया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि हॉवर्ड ही वह शख्स हैं जिनकी वजह से स्टारबक्स आज इतना बड़ा नाम बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए हम आगे की स्टोरी जानते हैं। दोस्तों हॉवर्ड जो थे उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और वो अपने घर में एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की ग्रेजुएशन की थी। पैसों की कमी की वजह से उनके अलावा उनके घर में कोई भी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था और इसीलिए बचपन में की गई मेहनत और संघर्ष उनके काम करने के तरीके में साफ साफ दिखाई देती थी। स्टारबक्स को ज्वाइन करने के बाद इस कॉफी शॉप की तो मानो किस्मत ही बदल गई और प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। और फिर एक बार स्टारबक्स में काम करते हुए ही हॉवर्ड को इटली के शहर मिलान जाना पड़ा और वहां जाकर उन्होंने देखा कि कॉफी के लिए एक प्रॉपर कैफे है जहां पर लोग सिर्फ कॉफी पीने के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलने और समय बिताने भी आते हैं। यहां तक कि बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी इस कैफे को यूज किया जा रहा था। और तभी उनके दिमाग में आइडिया आया कि स्टारबक्स अभी तक तो सिर्फ कॉफी बीन्स ही बेचता है और कॉफी बीन्स की क्वालिटी को चेक करवाने के लिए वे अपने क्लाइंट को कॉफी बनाकर पिलवाते भी थे, लेकिन यह काम अगर एक कैफे के तौर पर किया जाए तो अच्छा खासा फायदा कमाया जा सकता है। और जब वे वापस सिएटल आए तो उन्होंने स्टारबक्स के मालिकों से अपना आइडिया शेयर किया और उन्हें एस्प्रेसो कॉफी बेचने की सलाह दी। और फिर काफी सोच विचार करने के बाद स्टारबक्स के मालिकों ने भी हाँ कर दी और स्टारबक्स को एक कॉफी कैफे के तौर पर भी खोला गया। अब स्टारबक्स कॉफी बीन्स के अलावा एस्प्रेसो कॉफी भी सर्व करता था। और जब बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो हॉवर्ड के दिमाग में एक बार फिर से आइडिया आया कि क्यों ना इस कैफे के बहुत सारे ब्रांचेस खोल लिए जाएं ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और ऑब्वियसली उनका फायदा तो बढ़ेगा ही। लेकिन जब इस आइडिया को उन्होंने स्टारबक्स के मालिकों से शेयर किया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। दरअसल उन्हें यह एक बड़ा रिस्क लग रहा था और वे एक कैफे के तौर पर अपनी पहचान ज्यादा नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि हॉवर्ड ने कई बार आगे भी इस आइडिया के लिए स्टारबक्स के मालिकों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी और इसी बात से दुखी होकर उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद का एक कैफे खोलने का सोचा। हालांकि उनके सामने अब आई पैसों की समस्या, लेकिन एक डॉक्टर ने उनकी हेल्प की जिससे कि हॉवर्ड अपना कैफे खोल सके और उनके कैफे का नाम था जियोर्नल। दरअसल हॉवर्ड के कॉफी कैफे इटली के कॉफी कैफे से काफी मिलते जुलते थे, जैसा कि उन्होंने मिलान शहर में जाकर देखा था, और फिर आगे चलकर जैसा उन्होंने सोचा था वैसे ही उनका कॉफी कैफे बहुत सफल हुआ। इसी बीच स्टारबक्स ने 1984 में अल्फ्रेड पीट की कंपनी पीट्स को खरीद लिया था और अपना ध्यान कॉफी बीन्स बेचने पर ही ज्यादा लगाए हुए थे, इसीलिए स्टारबक्स ने आगे चलकर अपनी कॉफी कैफे बिजनेस हॉवर्ड को बेच दी और यह डील 3.8 मिलियन डॉलर में फाइनल हुई थी।
वैसे तो इस डील के लिए हॉवर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स की सहायता से यह डील फाइनल किया। अब स्टारबक्स हॉवर्ड चला रहे थे और स्टारबक्स के जो पहले मालिक थे वे अल्फ्रेड पीट की कंपनी पीट्स कॉफी एंड टी पर काम कर रहे थे। हॉवर्ड ने स्टारबक्स खरीदने के बाद अपने सोच के हिसाब से ही आउटलेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए और फ्रेंचाइजी भी बांटी, जिसकी वजह से बिजनेस काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती रही और 1992 आते आते इसके आउटलेट्स की संख्या 140 पहुंच चुकी थी। और फिर आगे भी दुनिया के बहुत सारे देशों को कवर करते हुए आज स्टारबक्स के कॉफ़ी हाउसेस की संख्या करीब 27,000 पहुँच चुकी है। और अगर बात की जाए अपने देश की, तो भारत में स्टारबक्स ने 2012 में एंटर किया और यहाँ पर भी इसके कॉफ़ी को इतना पसंद किया गया कि फिलहाल देश में कुल 101 आउटलेट्स खोली जा चुकी है। तो दोस्तों, एक समय 3 लोगों से शुरू हुई स्टारबक्स में आज 2,40,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। और कंपनी की शुरुआत भले ही 3 लोगों ने की थी, लेकिन कंपनी को असल ऊंचाइयों पर तो हॉवर्ड ने ही पहुँचाया, क्योंकि उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता थी और वे दूर की सोच रखते थे। उम्मीद है कि आपको स्टारबक्स की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।